हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू नीट वॉयज गाइस। आज हम फिर से एक मस्त टॉपिक के साथ, एक नए सेशन के साथ, एंड इट्स नॉट इजी बीइंग ग्रीन। बहुत मेहनत का काम है और उस मेहनत का कोई पैसे भी नहीं लेते बेचारे। इट्स जस्ट दैट यू लीव देम अलोन एंड दे विल गिव यू बैक अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो हमारे पास आज हम कुछ दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं जिन पे नीट में काफी क्वेश्चंस आए हैं इन द पास्ट। तो मैंने ये सीरीज इसलिए बनाया आपके लिए कि हम छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स उठा लेंगे, ऐसे टॉपिक्स उठाएंगे जिससे यू आर एबल टू कवर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है? सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट बीइंग इजी, इट्स नॉट इजी बीइंग ग्रीन, एंड दैट इज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद एनाबीना एंड नॉस्टॉक की कहानी विद कोमल यादव ऑन नीट वॉयज चैनल ऑफ एन अकेडमी। यहाँ पे मैं सारे सेशंस नीट वॉयज के लूंगी और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंटरेस्टिंग वीडियोज भी आपके लिए, सो दैट यू गेन मोर एंड मोर मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन और उससे भी ऊपर मोर एंड मोर इंटरेस्ट इन बॉटनी। ऑलराइट, सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनाबीना एंड नॉस्टॉक। ये दो ऐसे बैक्टीरियाज हैं, दीज आर नथिंग बट दे आर नोन एज साइनोबैक्टीरिया विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। सो एनाबीना और नॉस्टॉक जो है हमारे पास, दोनों नाइट्रोजन फिक्स करने के काम आते हैं बेटा। दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, और किस कंडीशन में? फ्री लिविंग कंडीशन में भी और सिम्बायोटिक कंडीशन में भी। मतलब ये जब अकेले बैठे होंगे तो भी नाइट्रोजन फिक्स कर रहे होंगे, और जब किसी और प्लांट के साथ होंगे तो भी नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स करने की कैपेसिटी एक सुपर पावर है। इट्स लाइक अमेजिंग, राइट? और ये नेचर ने सिर्फ प्रोकैरियोट्स को दी है, यूकैरियोट्स को नहीं दी। तुम फिर बाकियों को भूल जाओगे। सो दिस इज ओनली विद द प्रोकैरियोट्स एंड एनाबीना एंड नॉस्टॉक आर ब्लू ग्रीन एल्गी, और विच वी ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज एनाबीना बेटा, आपको दिख रहा पीछे, ये पूरा फिलामेंट में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो साइट है जहां नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। सो वी विल टॉक अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन इन एनाबीना हियर, ठीक है? आते हैं इस पॉइंट पे। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाबीना एंड नॉस्टॉक। इनके बारे में डिफरेंस पहले देखते हैं। काफी हद तक सिमिलर है। देखो आप, अगर क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ तो किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली तक बराबर आ रहे हैं। इट इज अबाउट द जीनस दैट दे डिफर। तो नॉस्टॉक अलग चला जाता है, एनाबीना अलग चला जाता है। नॉस्टॉक में आई हैव अ, दे फॉर्म अ जिलेटिनस, जिलेटिनस क्या होता है? जेली जैसा, समझो, इट्स लाइक जेली और जेल लाइक कॉलोनीज आर देयर, और सिलेंडर स्फेरिकल दिखती है थोड़ी सी, ठीक है? वहीं पर एनाबीना फिलामेंट में रहता है, कॉलोनी नहीं बना रहा है, फिलामेंट में रहता है, अलग अलग धागे रहते हैं, दे आर स्ट्रेट, ऐसा सीधा दिखेगा, या थोड़ा सा कॉइल होके रह जाएगा वो फिलामेंट, ठीक है? और दे कैन ऑल्सो रिमेन अकेला अकेला फिलामेंट, दे आर नॉट यूजुअली प्रेजेंट इन अ कॉलोनी। तो जो गुच्छे में फिलामेंट्स रह रही है ना, वो नॉस्टॉक है, वो कॉलोनी में रहना पसंद करती है, और वहीं पे जो धागा धागा अलग अलग रह रहा है, दैट इज एनाबीना। कहाँ मिलता है? वी फाइंड नॉस्टॉक इन लेक्स, पॉन्ड्स, सैंड, एंड यूजुअली जस्ट वेयर द रिपल्स ले एट द शोर। मतलब जहां का पानी ऐसे आएगा ना बहता हुआ, और आपने देखा होगा ओशंस के पास या फ्रेश वाटर वगैरह में आपके पास रॉक है और वो बड़ा स्लाइमी सा हो गया है ना, वो जो ग्रीन कलर का पार्ट उस पे जो ऐसे ऐसे जेल जैसा लगा हुआ है, दैट इज नॉस्टॉक, और सम अदर ग्रीन एल्गी हो सकता है, बट नॉस्टॉक आपको वहां मिल जाए। वेयर एज एनाबीना आपको एसोसिएशन में ज्यादा मिलता है। एनाबीना आपको मिलता है मॉस्किटो फर्न, राइस प्लांट्स के फील्ड में, लेग्यूम्स के साथ उनके फील्ड में, सो यू फाइंड देम देयर। ज्यादातर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता हुआ, ठीक है? एंड रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक, फ्रैगमेंट है, टूट जाएगा, धागा ही तो है लंबा, टूट गया, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। तो सिंपल फिजन और फ्रैगमेंटेशन, सिंपल डिविजन, दो में डिवाइड हो जाए, बैक्टीरिया ही तो है, दो में डिवाइड हो गया, एंड ये थोड़ा सा फ्रैगमेंटेशन को ज्यादा डिटेल में ले जाता है, दिल पे ले जाता है,
और हेट्रोसिस्ट यूज करता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर हेट्रोसिस्ट्स, इस पे आ रही हूँ। वैसे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, जिसपे क्वेश्चन आते हैं। एनाबीना और नॉस्टॉक का नाम आप पूरे 11th और 12th के सिलेबस में बार 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 रिपीटेड देखोगे, एंड दैट इज व्हाई आई वांट यू टू नो देम प्रॉपरली, क्योंकि ये नाम इतनी बार रिपीट होंगे 11th में भी और फिर 12th में भी, दैट यू नीड टू नो देम, ओके, फाइनल पेपर के लिए। एंड एकाइनीड्स, व्हाट आर एकाइनीड्स? ये ना इसका पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा, पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब पेरिनियल, जिंदा रहने के लिए, ज्यादा लंबा, सालों पे साल जिंदा रहने के लिए, ठीक है। सो इट वॉन्ट्स टू लिव फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, एंड दैट थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एकाइनिड्स। बचा मेरे पास हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट की कहानी कुछ ऐसी कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। एनाबीना विच इज अ फिलामेंटस, ध्यान दो फिर से, is a filamentous cyanobacteria which exists as a plankton, unicellular, akela akela bhi reh sakta hai, has nitrogen fixing capacity, they form association with some plants, peeche jo aapko ped dikh raha hai, this is a plant that is known as azolla, main naam likh rahi hu, azolla, A-Z-O-L-L-A, azolla is an aquatic fern, ye pteridophyte hai, iske saath rehta hai anabina nitrogen fix karne ke liye, कि मैं तुमको खाना देता हूं तुम मुझे जगह दे दो रहने, राइट। सो ही इज लाइक कि आप खाना दे दो, मतलब फूड इट इज टेकिंग फ्रॉम एजोला, शेल्टर इट इज टेकिंग फ्रॉम एजोला, एंड बदले में नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहा है, जो कि बहुत बड़ा काम है, इट्स अ ह्यूज वर्क टू बी डन, ठीक है। सो फॉर दैट एनाबीना गेट्स आराम से जगह, शेल्टर बड़े आराम से मिलता है क्योंकि एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव विद इट, है कि नहीं। नॉस्टॉक, हमारा प्यारा नॉस्टॉक, इसमें देखो ये स्पेरिकल सा सर्कुलर सा दिखा, ये दिखा, दिस इज हेटरोसिस्ट। सिस्ट है तो बेटा थिक वॉल होगी, आप देखो कंपैरेटिवली बाकी साइड वाले सेल्स के कंपैरिजन में दिस इज अ लिटिल थिकर, है ना। और ये थिक वॉल हेटरोसिस्ट फॉर्मेशन जो नॉस्टॉक लाता है, इसको दिखाती हूं मैं, इसमें आप देखो अंदर थोड़ा कम साइटोप्लाज्म में ऐसा दिख रहा है, साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेट्रोसिस्ट इज अ साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। कोई नहीं कर सकता सिवाय प्रोकैरियोट्स के, यूकैरियोट के नहीं है बस की नाइट्रोजन फिक्स कर देना। एक और के साथ एसोसिएशन एनाबीना का, किसके साथ? साइकस के साथ, जिम्नो। एनाबीना शोज एसोसिएशन विद एजोला, एनाबीना नॉस्टॉक दोनों कैन शो एसोसिएशन विद दिस प्लांट, अगेन वेरी कॉमन, आपने देखा होगा इसको, दिस इज नथिंग बट साइकस, इट्स अ जिम्नोस्पर्म। साइकस, साइकस के रूट में जाओगे ना तो ये से कोरल जैसा रूट दिखता है, ये दिख रहा है कोरल्स, देखे आपने व्हाइटिश कलर के, थोड़े ब्राउन व्हाइट कलर के एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलते हैं, इसका रूट वैसा दिखता है, तो इस रूट को हम बोलते हैं कोरलॉइड रूट, कोरलॉइड रूट, कोरल जैसा रूट। तो साइकस के पास दोनों है, नॉर्मल रूट भी है, कोरलॉइड रूट भी है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्स करने वाला बैक्टीरिया कहां मिलेगा? कोरलॉइड रूट के अंदर, ठीक है। कोरलॉइड रूट के अंदर ऐसे, ये देखो इसके इस वाले रीजन में, इस रीजन को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाला रीजन है, कॉर्टिकल रीजन है, इट हैज कॉर्टेक्स में एसोसिएशन ऑफ दिस। बट हो क्या रहा है, ध्यान से देखना, दो तरीके के सेल्स थे, दोबारा देखना चाहते हो तो सी, आई हैव हेट्रोसिस्ट एंड देन आई हैव ये पीछे वाले सेल्स, दीज आर नथिंग बट नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव क्यों बोला? क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं कराएगा, बस बीच में टूट सकता है ज्यादा, और कुछ नहीं होने वाला। यहाँ इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, क्या हो रहा है? इधर बन रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके शुगर, बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस, समझे मेरी बात। पूरे फिलामेंट के ऊपर जिलेटिनस कवरिंग, ताकि पानी एकदम से लॉस ना हो जाए, ये मर ना जाए, तो द काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव जेल लगा दिया बाहर कि एकदम से पानी लॉस नहीं होना चाहिए। बट हाउ डू दे फिक्स नाइट्रोजन? ये हेट्रोसिस्ट वाले रीजन में इस जगह पर देख रहे हो
This is the place where you're going to find nitrogenase enzyme. अब नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है ना बेटा, इट इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास होता है आयन Fe, और Fe के पास अगर जाकर ऑक्सीजन लग गया तो Fe खराब और एंजाइम खराब, ठीक है। इसको नहीं चाहिए कि वहां Fe के पास ऑक्सीजन लगे, इसको चाहिए वहां नाइट्रोजन लगे, तो इट इज सेंसिटिव टू O2, ऑक्सीजन को। ये ऑक्सीजन को सेंसिटिव हुआ तो हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, पहले तो इसको बनाओ थिक वॉल, बाहर से ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए, कूल है, परफेक्ट, एब्सोल्युटली नाइस, बाहर से ऑक्सीजन आएगा नहीं। अब अंदर वाले ऑक्सीजन को रोकना है, लेकिन अंदर ऑक्सीजन क्यों बन रहा है? अंदर ऑक्सीजन इसलिए बन रहा है बिकॉज इन दीज सेल्स दैट आर नोन एज वेजिटेटिव सेल बेटा, यहां हो रहा है फोटोसिंथेसिस। क्या हो रहा है यहां? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए मुझे दो तरीके के फोटोसिस्टम चाहिए होते हैं, PS1, PS2। ये दो फोटोसिस्टम क्या करते हैं? ये 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है और ये 600 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है। कूल, बढ़िया बात। PS2 पे पानी ब्रेक होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। PS2 पे वाटर ब्रेक्स इनटू टू प्रोटॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स एंड हाफ एन ऑक्सीजन O2। अब ये ऑक्सीजन, मेरा प्यारा ऑक्सीजन तो निकलेगा, रिलीज होगा बाहर, वो मेरे को नाइट्रोजनेज के कॉन्टैक्ट में नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आया तो नाइट्रोजनेज खराब, नाइट्रोजन फिक्स करने की कैपेसिटी खत्म, और वो तो इसका सबसे बड़ा मतलब कह सकते हो आप बार्गेन करने का तरीका है कि तुम मुझे रहने दो, खाना दे दो, मैं तुमको नाइट्रोजन दे दूंगा बदले में, तो अगर वो कैपेसिटी खत्म हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ग्रीन वाले सेल्स में नो प्रॉब्लम, रखो दोनों फोटोसिस्टम रखो, लेकिन हेटरोसिस्ट में से PS2 हटा दो, लेकिन फोटोसिंथेसिस कैसे होगा? फोटोसिंथेसिस PS1 जितना करा सकता है उतना करा देगा, वट एवर दी अदर रिक्वायरमेंट इज, जो भी कोई इधर उधर का रिक्वायरमेंट उसको बाकी का चाहिए, जो सिर्फ फोटोसिस्टम 2 के प्रेजेंस में कंप्लीट हो सकता था, वो साइड वाले सेल्स देंगे ना। इतना बड़ा काम करके दे रहा है यार, नाइट्रोजन फिक्स करना इज लाइक दी अल्टीमेट सुपर पावर, ठीक है, तो वो ये करके दे रहा है। कौन? एनाबीना और नॉस्टॉक का हेटरोसिस्ट। सो 1, इट इज थिक वॉल्ड, 2, इट इज नॉट carrying PS2 in it because that is the site where water breaks and oxygen is released. Basically, nitrogenase enzyme oxygen ke contact mein nahi aana chahiye. To anaerobic condition chahiye mujhe kahan? Heterocyst mein. Ab jab ye heterocyst bada ho jata hai, boodha ho jata hai, right? To andar bhi cell divide karke aur yahan se na, it kind of opens like this. To ye do fragment mein tootne mein bhi help karte hai. So heterocyst can help in reproduction by breaking it, the fragment into 2. मानो ये यहाँ से elbow से elbow तक fragment है और ये heterocyst है, ये टूटा गया दोनों fragment अलग अलग, ठीक है, और meanwhile जब तक वो काम कर रहा है तब तक वो आपको nitrogen fix करके दे रहा है, that is the site for nitrogen fixation in anabina, ठीक है। देखो आप oxygen बाकी सब जगह से release हो रहा है, हेटरोसिस से नहीं हो रहा, तो दैट इज अ वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट। हमने यहाँ नाइट्रोजनेज पढ़ा, हमने यहाँ दोनों के दोनों साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, हमने यहाँ देखा PS1 PS2 के बारे में। दिस इज एन इंटीग्रेटेड टॉपिक, ऐसे बहुत और इंटीग्रेटेड टॉपिक्स मैं आपके लिए लाते रहूंगी, जहां आपको एक चैप्टर नहीं बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ मिलाए जा रहे हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में यू हैव बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर, मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर, इसमें इकोलॉजी, फोटोसिस्टम, तो फोटोसिंथेसिस, सी सो मेनी चैप्टर्स टुगेदर। तो एक ऐसा टॉपिक जिससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग चैप्टर्स के क्लियर होंगे, आई कीप ब्रिंगिंग देम टू यू, एंड जस्ट फटाफट से डाउनलोड द ऐप फॉर ऑल दीज गुडीज, लाइव क्लासेस, बेटर पर्सनल इंटरेक्शन विद द टीचर, क्लास में पोल्स, टेस्ट सीरीज और डाउट सेशंस के लिए जस्ट गो फॉर डाउनलोडिंग द ऐप
अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, आप पुराने कुछ रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हो बेटा, तो जस्ट ओपन द डिस्क्रिप्शन एंड जस्ट गो फॉर इट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू कोर्स फ्रॉम 7th of November. तो प्लस के लिए जाओ फटाफट से, यहाँ पे आई एम स्टार्टिंग सेल, तो यहाँ पे फटाफट से गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शंस, गो टू नीट यूजी, गेट सब्सक्रिप्शन. और ये छोटा सा ना चेंबर्स ऑफ सीक्रेट जहां आपको फ्री क्लासेस मिलेंगे, तो जाओ फटाफट से और पुराने मेरे पुराने फ्री सेशंस देखो, वहां से जो कंफ्यूजन आता है या कुछ नहीं समझ आता है या समझ में आ जाता है सब कुछ, तो ऑल द बेस्ट. नहीं समझ आएगा तो डाउट सेशन में मिलेंगे. एंड फॉर दैट टेक अ सब्सक्रिप्शन ऑफ एज मेनी मंथ्स यू लाइक, बट दिस आई वुड रेकमेंड फॉर 12 months एंड फॉर ड्रॉप स्टूडेंट्स, क्योंकि इतना ड्यूरेशन तो हमें चाहिए बेटा फ्रॉम स्क्रैच चीजों को पढ़ने के लिए. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा. ये वाला फॉर 2022 नीट में जो बच्चे अपेयर कर रहे हैं 11th class के, उनके लिए. कोई भी कोर्स लेते हो आप, कोमल लाइफ कोड आप लगा सकते हो, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. सो यूज द कोमल लाइफ कोड, गेट योर 10% ऑफ, लेट मी नो यू लव माई टीचिंग. एंड ये इतने सारे सारे टीचर्स के लिए टू सा अमाउंट, सो दैट आप एक बार ऐप डाउनलोड करके देखो, यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ टीचर्स देयर. हर टॉपिक पढ़ाने के लिए 10-20 टीचर हैं आपके पास, तो एक नहीं, दिस इज इतना सा अमाउंट यू यूज टू गिव ट्रैवल अलाउंस, ऑटो वाले भैया को दे देते थे जो आके आपको ट्यूशन से यहाँ वहां छोड़ने जा रहे हैं, लेने आ रहे हैं. सो सी सिटिंग एट होम, इंटरेस्टिंग सेशंस, अमेजिंग सेशंस यू आर गेटिंग जस्ट फॉर दिस मच अमाउंट. और अगर एक पुराने नीट टॉपर से आपको बात करनी है, गाइडेंस चाहिए विदाउट एनी हिंड्रेंस, कि वो आपको कुछ दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, वापस नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, they're obliged to do it in iconic. So we have brought some must neat toppers, very interactive students that are going to help you planning mein, analysis mein, har cheez mein jahan aapko madad chahiye. And karna kya hai, Komal Life code lagana hai, 10% off le jana hai fatafat se, mentorship le jani hai inki, plus we are also there for you, don't worry. Itna sa amount if you pay this, agar you feel ki bahut zyada ho gaya, तो प्लस तो है ही बेटा, डोंट वरी, प्लस कहीं नहीं जा रहा, प्लस इज देयर, बट पार्ट्स में भी आप इसको पे कर सकते हैं. ठीक है, सो आई विल सी यू अगेन विद वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. थैंक यू सो मच. आई विल सी एवरी सैटरडे आई विल सी यू हियर, वेट फॉर इट एंड स्प्रेड द वर्ड. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.